आसपास कोई मैकेनिक मिल जाएगा? कहाँ पे? आगे लोहे वाला पुल है। उधर कहाँ ले जा रहे हो भाई? 30 किलोमीटर रह गया दिल्ली, यहाँ पे सीन क्रिएट हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। दिल्ली के लिए हम हो चुके हैं एकदम रेडी। अभी टाइम जो है मैं थोड़ा लेट हो गया दिल्ली आने को, 9:40 ये हो गए। ट्रिप टू को हम जो है जीरो कर देते हैं ताकि हमें पता चलेगा हम कितने किलोमीटर जो है टोटल जा के आए। चलो ये जीरो कर दिया ट्रिप टू मैंने, आप देख सकते हो। और ऑर्डर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो रहा है 5704, इतने किलोमीटर चली हुई है। और जो है ट्रिप टू मैंने जीरो कर दिया है, देखते हैं कितना किलोमीटर निकलता है और कहाँ कहाँ तक जाना है, कहाँ कहाँ तक जाना है आगे कोई पता नहीं है। दिल्ली से अभी तो फिलहाल मेरे को दिल्ली से धनाना जाना है हरियाणा में, उससे आगे कितना आगे जाना है पता नहीं है। आप सेटअप देख सकते हो, मैंने बैग इस तरह से बांध रखा है, उस सामने ये धागा है, ये क्या कहते हैं रबड़ का, और बैग एकदम हिलेगा नहीं। और बैग में इसमें मेरा वॉलेट एंड सब इसके अंदर है। तो चलते हैं अभी। Fade away in the rear view mirror. Won't get lost cause I've been really off track. Lately been running, but I'm not been going anywhere. So guys, 51 किलोमीटर आ चुके हैं हम। सामने देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सितंबर कैसे जुलना पड़ता है। अभी रोड में आई हुई थी अभी हम यूपी में है गाइस, उत्तराखंड क्रॉस किया है, यूपी में एंटर कर चुके हैं हम। पास में पड़ता है 50 किलोमीटर में आ गए हम यूपी में। अभी माउंट हेलमेट वैसे नहीं लगा रहा, बैटरी कम है, पावर बैंक है नहीं मेरे पास, अभी मैंने कैरी नहीं कर रखा तो ठीक है, आगे लगाएंगे जब दिल्ली पास में पहुँचे। अच्छा ये भाई हमारे, और हमारा जो खाना आ चुका है, पहले से ठंडी ठंडी खाना स्टार्ट करेंगे हम। 100 किलोमीटर कंप्लीट हो गया हमारा, थोड़ा बाइक को भी रेस्ट मिल जाएगा इसलिए मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ, भूख भी लग रही थी इसलिए हम खाना खा रहे हैं। चलो भाई खाना खा लेते हैं। तो गाइस खाना वाना जो है हो गया है, एंड अभी जो है हम इस साइड से आए हैं, सामने ढाबा था वहाँ पे हमने खाना वाना खाया, एंड जो है रुद्रपुर को हमने भी क्रॉस किया है। और इस साइड जो हमारा पड़ता है रामपुर, जहाँ हमें जाना है अभी, रामपुर होते हुए हम जाएंगे दिल्ली, और आज दिल्ली स्टे करना पड़ेगा। मेरा टारगेट तो हरियाणा का था रोहतक पहुँचने का, बट आज नहीं हो पाएगा क्योंकि घर से ही हम लेट चले थे, उसके बाद रास्ते में भी थोड़ा सा कुछ दिक्कत प्रॉब्लम आ गई थी, तो वहाँ पे मेरा आधा 1 घंटा वहाँ पे वेस्ट हो गया था। एंड जो है तो अब ठीक है, अब हम यहाँ से निकलेंगे, रामपुर होते हुए दिल्ली पहुँचेंगे। मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ एक बार, ये खड़ी गाइस अपनी एमटी। इसमें भी जो है पेट्रोल जो है हमने डलवाया नहीं, अभी हम 150+ किलोमीटर जो हमने निकाल दिए, एंड जो है पेट्रोल इसका लास्ट है। अब ये भी बीप कर रहा है, देख सकते हो ये भी बीप कर रहा है। टाइम जो है 1:40 हो गया, 1:37 हो गए, एंड जो है अब हम सबसे पहले इसमें पेट्रोल डलवाएंगे। खाना वाना मैंने अभी खाया,
मैं थोड़ा फ्रेश फ्रेश होऊंगा, पानी वानी ले लेंगे पेट्रोल पंप में। तो चलते पेट्रोल पंप चलते, पहले मोबाइल को जो इसमें लगाते हैं थोड़ा बहुत यहाँ भी शूट कर लेते हैं। बाकी गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है ना भाई, क्या बताऊँ मैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। इसका जो है मैं रिव्यू दूंगा एमटी का, लॉन्ग राइड में एमटी जो है मतलब कैसे मेरा एक्सपीरियंस है सब मैं बताऊँगा आपको। इसकी इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो जो है मैं यहाँ से जब वापस अपने घर में पहुँच जाऊँगा उसके बाद जो है मैं इसको अपलोड करूँगा, ठीक है, वहीं शूट वहीं बनाऊँगा और उसमें तब बताऊँगा मैं इसके बारे में। बाकी आसान शब्द में बोलूँ तो बाइक जो है ना भाई, क्या बोलो यार, एकदम मस्त है यार। हाईवे पे इतना अच्छे से चल रही ना, ब्रेकिंग इतनी मस्त है, पिकअप, अब क्या बताऊँ मैं आपको, अभी देखना आप। चलो मैं सबसे पहले ना मोबाइल कुछ में लगा लेता हूँ एंड उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस चलते हैं यहाँ से, सबसे पहले हमें पेट्रोल डलवाना है एंड मैं मैप को जो है सेट कर लेता, आई थिंक एंगल सही आ रहा होगा, इस एंगल का यार मेरे को सेट नहीं हो रहा आज तक, धीरे धीरे हो जाएगा। गाइस मैं तो यही बोलूँगा, कभी भी हाईवे में अगर आप मोटो ब्लॉग कर रहे हो या शूट कर रहे हो तो पहले आप गाँव में करो, मतलब ऐसे एरिया में करो जहाँ गाड़ियाँ कम आती हैं हो या स्लो आती हो, बिकॉज हाईवे में जो गाड़ियों की स्पीड आप मान के चलो 100 से ऊपर ही रहती है, मतलब थोड़ा स्पीड में रहती है गाड़ियाँ 90-100। तो अगर आपका ध्यान नहीं रहेगा और आप एकदम से इधर उधर लाइन आपने क्रॉस कर दी तो आपको दिक्कत हो सकती है। एंड जब हाईवे में आप आते हो अगर पहली पहली बार है और ऐसे आप जैसे लाइक हाईवे में पहली बार है और आप मोटो ब्लॉग कर रहे हो, प्रॉपर आपका सेट नहीं हो रहा, आपका ध्यान कैमरे में आ रहा है, मतलब आप कैमरे की तरफ देख रहे हो, तो इस सेट की तरफ रखो जितना हो सके और एंड आगे थोड़ा देखते रहो, ध्यान मतलब दोनों को साथ साथ में करो। तो कुछ ये चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान देना होता है। तो क्या चलते हैं यहाँ से, अभी ये पेट्रोल पंप तो यहाँ पर भी है बट ये बंद है, नया है ना, बंद रहा है। चलते हैं सबसे पहले पेट्रोल भरवाते हैं एंड उसके बाद जो है पेट्रोल भरवाएंगे यहाँ पे। डाल दे फुल कर दे फुल, ओके मारो भाई। तो देखते गाइस कितना जाता है अपनी गाड़ी में पेट्रोल। अच्छा वॉशरूम कहाँ पे है? अच्छा ठीक, मुझे लग रहा था 7 से 8 के बीच में आएगा, 769। हाँ बस ठीक है ठीक है, अपनी हाँ 780 हो गए, वो 70 हो गए सर, 770। पेमेंट जो कार्ड से करेंगे हम, एक काम मैं ना बाइक साइड में कर देता हूँ, ठीक है यहाँ पे कर लेता हूँ बाइक, फिर देता हूँ। हाँ ना बाइक साइड में कर लेता हूँ फिर देता हूँ। तो पहले बाइक साइड में लगा लेते हैं, एक बार देखना भैया। ये हो गया क्या इनका, तो बाइक जो है हम साइड में कर लेंगे यहाँ पे बस। सबसे पहले पेमेंट करके आते हैं, तो इसको ऑफ कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। एंड लुक एंड जो है हैं, अरे कोई बात नहीं यार, पहले आप पेमेंट दे लो, कोई बात नहीं, ये डेबिट कार्ड भी गिर गया। लो भैया 770।
अभी हम रामपुर के पास खड़े हैं। यहाँ पे पेट्रोल का रेट जो है 96.94 है, 97 मान लो लीटर। अरे उधर कहाँ ले जा रहे हो भाई? इंग्लिश दे देना मुझे। तो गाइस पहले फ्रेश फ्रेश हो लेते हैं एंड उसके बाद जो है फिर कर मिलता हूँ मैं आपसे, ठीक है? तो गाइस पानी की बोतल हमने भर ली है, फ्रेश फ्रेश हो ली हम, पानी वानी पिया, थोड़ा रेस्ट भी हो गया यहाँ पे। तो गाइस मैंने जो है ना मुरादाबाद क्रॉस कर लिया है, अब हम पहुँचने वाले हैं गाजियाबाद। दिल्ली यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है एंड मैं यहाँ पे रुका हूँ जूस पीने के लिए। अभी भैया हमारा जूस बना रहे हैं, तो चलते आराम से। 150 किलोमीटर रह गया बस। तो गाइज अब हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं, फिलहाल हम आपुरवाड़े टोल पे खड़े हैं। ये आपुरवाड़ा टोल है, मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है बाहर की चीज़ें खाने से, धूल मिट्टी जाती ना तो मेरा यही प्रॉब्लम आती है। तो ये आपुरवाड़ा टोल है, आप देख सकते हो आपुर जो है यहाँ से 37 किलोमीटर दूर है एंड जहाँ पर हमें जाना है दिल्ली वो दिखा रहा है गाइज 129 किलोमीटर, ढाई घंटे दिखा रहा है इसमें, बट 2 घंटे में पहुंच जाएंगे अब हम। अगर जाम नहीं मिला, दिल्ली का कह नहीं सकते यार, 10 किलोमीटर में भी जाम मिल गया तो दो घंटे 10 किलोमीटर में निकल जाते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। तो गाइस सब ओके चल रहा था बट आज की किस्मत ही खराब है, वैसे लेट आए एंड से दिल्ली पहुँचने वाले थे, बस 30 किलोमीटर रह गया दिल्ली। यहाँ पे सीन क्रिएट हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका लीवर गार्ड टूट गया यार, ये पता नहीं कैसे अंदर से निकल गया यार। कुछ नहीं, ये यहाँ तक था, ऐसे था, ये ऐसे था बट ये था, ये यहाँ से टूटा और किसी गाड़ी के नीचे आ गया। स्पीड में था मैं, 120-122 था बट आगे जाके रुका, यूटर्न लेके आ रहा था तो उस टाइम तक उसमें चला गया। आई थिंक इसके यहाँ पे ये लोग होते हैं शायद। चलो अब दिखाते हैं वहाँ पे मैकेनिक के पास, पास में देखते हैं कोई सा मिल जाए तो। ये वाला ठीक है, वो ये हो गया, अब इसको भी निकालेंगे, इसको लगा लेंगे, इस खाली गोल्डन को रख लेंगे, इसको ये भी काम का नहीं हुआ कुछ, वेस्ट है भाई। ये यार इसका ये टूट गया था, यहाँ पे कोई मैकेनिक है आसपास, कोई मैकेनिक मिल जाएगा? कहाँ पे? ठीक है, लेफ्ट में, थैंक यू भाई। देखते हैं इसके पास हो जाए कुछ, बेस का लीवर गार्ड पड़ गया यार, लीवर गार्ड निकल गया। देखना फिर क्या सीन है, मैं आपको दिखाता हूँ मिनट। ये कर दिया खुद ही, कसा था मैंने, आई थिंक ज़्यादा कस दिया मैंने इसको, तो अभी थोड़ा स्पीड में था मैं, उस स्पीड में गिर गया यार, किसी गाड़ी के नीचे आ गया। ये तो कोई बात नहीं, अब तो वेस्ट हो गया, बट ये टेढ़ा कैसे हो गया यार इसे? ये ज्यादा कस दिया मैंने इसलिए ना, कैसे हुआ फिर टेढ़ा? ये निकला कैसे, निकलता है ऐसे? ये पूरा निकलता है ऐसे अपने आप? ये बस होता है उसमें फंसने लायक। अच्छा, उसमें फंसता है स्टीयरिंग। मुझे लगा मैंने ज्यादा कस दिया इसलिए निकला। अपने पास है ये? अभी तो सही कस रहे हैं।
चलो एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ का ये रख लेते हैं, ये दोनों फेंक देते हैं, इनका क्या काम है। जाम में मुझे लग रहा है मुझे उस वाले में रोड में जाना था, इस वाले में आ गया मैं गलती से। चलो कोई ना, मैं जो है यहाँ पे रात को पहुँच गया था, शाम को पहुँच गया था 6:30 एंड मेरी मोबाइल की जो है बैटरी डेड हो गई थी एंड रास्ते में बारिश जोर की हो गई थी तो मैं भीग गया था पूरा एंड तो मैं मोबाइल उस टाइम बना नहीं पाया और मोबाइल भी डेड था। तो घर पे आया, कपड़े चेंज करे, मोबाइल शोबाइल चार्ज में लगाया, नहाया एंड कपड़े वपड़े जो मैंने पहन रखे थे वो धोए, तो उसमें जो है टाइम ज़्यादा हो गया। तो फिर मैंने रात को शूट नहीं किया एंड अभी इस व्लॉग को ये पे एंड करते हैं एंड जो है मैं दिल्ली में पहुँच चुका हूँ, फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ। तो गाइज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सभी मिलते हैं दूसरी वीडियो में।